गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम प्लास्टिक की बोतल से एरोप्लेन बनाना सीखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ली प्लास्टिक की बोतल्स, उसको एक बोतल्स को ऊपर से कट कर लेंगे। और बीच में से उसका हिस्सा निकाल लेंगे। हम ये दो कटी बोतल को आपस में जोड़ेंगे फेविक्विक की हेल्प से। अब हम इसका एक बेस काट लेते हैं एरोप्लेन के अंदर, जिसमें हम सीटें लगाएंगे। ये हमारा बेस कट गया है। अब इस पर हम पेपर चढ़ा देते हैं। अब हम ये बीच बीच में हाफ सर्कल लगा लेंगे, जिससे हमारे एरोप्लेन को सपोर्ट मिलेगा अंदर से। अभी हम चेयर के लिए एक छोटा सा डिजाइन काट लेते हैं। तो इस तरह की हमारी चेयर तैयार हो गई। एक ऐसी बाकी हम चेयर्स भी तैयार कर लेंगे। ये चेयर्स लग के प्लेन इस तरीके से दिखेगा। अब इस पर हम लाइट लगा लेते हैं। डबल साइड टेप लगा लेते हैं तो हमारे बॉटल में अंदर से चिपक जाएगी। एक बार हम इसे ऑन करके देख लेते हैं फिक्स करने से पहले। हम एरोप्लेन का इंजन बनाएंगे, उसके लिए कार्डबोर्ड में हम एक सर्कल काट लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा इंजन बनेगा। हमने कोन की शेप में बना लिया है। इस पे हम टेप लगा देते हैं ऊपर से।
मैंने एक स्क्रू लगा लिया है जिससे कि सेंटर में ऐसे लग जाएगा। इसको स्विम लगा लेंगे। अब ये देखो इंजन की तरह लुक आ गई इसके। अभी हम विंडो बना लेते हैं, इस पर हम पेंट करेंगे, इसलिए हम इस पर विंडो की शेप में स्टिकर्स लगा रहे हैं। फाइबर की शीट में बनाया है, आप कार्डबोर्ड में भी बना सकते हैं। इस पर हम अपना इंजन टाइट कर देते हैं स्क्रू की हेल्प से। स्प्रे पेंट कर लेते हैं इस पर हम। अभी हमारा बेस कलर हो गया वाइट। अब जो हमने विंडो के लिए स्टिकर चिपकाए थे उनको निकाल लेते हैं। हमारा एरोप्लेन इस तरीके से दिखेगा, इसकी विंडो ओपन हो गई है। विंग्स पे हम पेंट से भी कलर कर सकते हैं। मैं पेपर की हेल्प से इस पे पेपर लगा रहा हूँ। Thank you.
अब इंजन को भी पिंक कलर से ही कवर कर रहा हूँ मैं। हमारा प्लेन रेडी हो गया है।